ये कहानी तो ऐसी लड़कियों की है जो ऑनलाइन आकर अपने तरबूज दिखाने के लिए पैसे लेती थी, अब वो ये कर अपने होल कैसे गोल करवा लेती हैं, ये हम आज की इस मूवी में देखने वाले हैं। रीना एक सोशल साइट पर यूजर से गर्मा गर्म चैट कर पैसे कमाती थी। अगर कोई उसे ज्यादा पैसा देता था तो वो अपना सब कुछ उतार कर उसका मूड भी बना देती थी। रीना की मॉम एक मॉल चलाती थी और वो दोनों एक ही घर में रहती थी। रीना एक कॉलेज में पढ़ती थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम हीवा था, वो रीना की क्लासमेट थी और वो उसके पड़ोस में ही रहती थी। रीना रोज कॉलेज जाती थी, कॉलेज से आकर साइट पर ऑनलाइन हो जाती थी। रीना डबल लाइफ जी रही थी, अपनी मॉम की नजर में वो एक प्यारी सी लड़की थी, वो अपने कॉलेज में भी पढ़ती थी और अपने कमरे में बस पूरे दिन पढ़ती रहती थी। मगर सच बात तो ये है, रीना अपने कमरे में आते ही वेब मॉडल बन जाती थी और उसकी ये सच्चाई और राज कोई नहीं जानता था। एक बार हीबा और रीना शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग के दौरान रीना जी भर कर खर्चा करती है। उसकी खर्च देख कर हीबा बहुत हैरान होती है। वो रीना से पूछती कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। पहले तो रीना उसे बहाना बनाकर चुप कराने की कोशिश करती है, पर उसके बार बार पूछने पर वो उसे अपने घर चलने को कहती है। थोड़ी देर बाद हीबा रीना के घर पहुँच गई थी। तब रीना अपना पीसी ऑन कर कहती है, मुझे एक न्यूज़पेपर से एक सोशल साइट का पता चला था। हमें इस साइट पर एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है जिसके बाद हम यूजर से गर्मा गर्म चैट कर पैसे कमा सकते हैं। ये सुनकर हीबा उससे कहती है, फिर तो तुम्हें शहर के कई लड़के जानते होंगे। इस पर रीना कहती है, मैंने इस साइट पर अपने शहर के लड़कों को ब्लॉक कर रखा है ताकि शहर का कोई भी लड़का मुझे पहचान ना सके। इसके बाद रीना उसे अपनी प्रोफाइल लॉगिन कर दिखाती है। रीना की प्रोफाइल का नाम प्रिटी गर्ल था। लॉगिन होते ही उसे एक यूजर काफी टोकन भेजता है। हीबा उससे टोकन के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में रीना कहती है, 10 टोकन का मतलब $1। हम जितनी चीजें उतारेंगे हमारे यूजर उतने टोकन भेजेंगे। इसके बाद कई और यूजर्स भी रीना को टोकन भेजते हैं और यूजर को रीना के साथ साथ हीबा भी नजर आ रही थी, इसीलिए वो इसे टोकन भेज रहे थे। एक दिन हीबा भी अपने कमरे में बैठकर वही साइट खोलती है जिस साइट से रीना पैसे कमा रही थी। रीना की कमाई देखकर हीबा ने भी फैसला कर लिया था कि वो भी एक वेब मॉडल बनेगी और अपना सब कुछ उतार कर ढेर सारे पैसे कमाएगी। हीबा ने अपने प्रोफाइल का नाम मिस की भी रखा था। अगले दिन वो रीना को फोन कर बताती है, मैंने भी तुम्हारी तरह अपनी प्रोफाइल बना ली है। इसके बाद वो रीना से चैट करने में मदद मांगती है। इसके बाद रीना उसे अपने पास आने को कहती है। थोड़ी देर बाद हीबा रीना के कमरे में पहुंच गई थी। रीना अपनी प्रोफाइल खोल कर उसे चैट करना सिखाने लगती है। वो उसे बताती है कि चैट के दौरान हमें किसी को भी अपना नाम और पता नहीं बताना है क्योंकि फिर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद वो हीबा को चूमने लगती है ताकि उसके यूजर्स को कुछ नया देखने को मिले। उसके साथ लव लपाटा करने के बाद कई यूजर उसे बहुत सारे टोकन भेजते हैं। एक यूजर हीबा को अपना सब कुछ उतारने को कहता है। हीबा उसकी बात मानकर अपना सब कुछ उतार देती है जिसके बाद उन्हें बहुत सारे टोकन मिलते हैं। रीना से ट्रेनिंग लेने के बाद हीबा अपने कमरे में आ गई थी। अपने कमरे में आकर वो भी लॉगिन हो जाती है। हीबा के पास ज्यादा यूजर्स नहीं थे क्योंकि उसकी प्रोफाइल नई नई थी। जल्दी से जल्दी पैसे कमाकर अमीर बनना चाहती थी। वो फिर रीना से मदद मांगती है जिसके बाद वो दोनों रीना की प्रोफाइल में साथ साथ काम करने लग जाती है। दरअसल रीना अपने प्रोफाइल के जरिए हीबा को प्रमोट कर रही थी ताकि हीबा के पास ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आए और वो भी ढेर सारा पैसा कमा सके। अब मिलते हैं इस कहानी के किलर से। इसका नाम डैन था। डैन एक जवान लड़का था और उसे वेब मॉडल से चैट करने का शौक था। जो मॉडल उसका दिल तोड़कर उसे नाराज कर देती थी वो उसे मारने का फैसला कर लेता था। वो उस मॉडल को पहले बहुत सारे पैसों का लालच देकर उससे मिलने को कहता था। इसके बाद वो मॉडल के पास जाकर उसे तड़पा तड़पा कर जान से मार देता था। डैन एक सरफिरा पागल लड़का था और उसने कई मॉडल्स को जान से मारा था। कुछ दिनों बाद हीवा के प्रोफाइल्स पर भी काफी सारे यूजर्स आने लगते हैं। एक यूजर उसे अपनी तस्वीर भेजता है। इसका नाम जैक था। जैक हीवा से मिलना चाहता था और वो उसके बारे में रीना को बताती है। रीना उसे रोक कर कहती है, भूल कर भी किसी यूजर को अपना नाम और पता मत बताना। हीवा उसकी बात मानकर चुप हो जाती है। अगले कुछ दिन वो साथ साथ काम करती है और अपने यूजर्स को बहुत कुछ दिखाती है। इनके यूजर्स अलग अलग देशों से थे। वो इन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। एक दिन जैक हीबा को फिर से मिलने को कहता है। इस बार हीबा उसकी बात मान जाती है। वो दोनों पूरा दिन साथ साथ घूमते हैं और फिर जैक हीबा को पैसे देकर अपना पानी निकालता है। दूसरी तरफ सिरफिरा डैन भी ऑनलाइन था और वो किसी नए मॉडल को ढूंढ रहा था। इसी बीच उसकी नजर रीना की प्रोफाइल पर पड़ती है। रीना का खूबसूरत चेहरा देखकर वो बहुत खुश होता है और फिर उसे काफी टोकन भी भेजता है। रात को हीबा रीना को बताती है, मैं आज पूरा दिन जैक के साथ थी और उसे खुश कर मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। उसकी बात सुनकर रीना हैरान होती है और उसे जैक से दूर रहने की सलाह देती है। मगर हीबा जल्दी जल्दी पैसे कमाना चाहती थी इसीलिए वो रीना की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन बिग डैडी नाम का एक यूजर हीबा को अपनी तस्वीर भेजता है। वो उसे बहुत सारे टोकन भेजकर उससे मिलने को कहता है। टोकन देखकर हीबा की आंखों में चमक आ गई थी और बिग डैडी से मिलने के लिए हीबा रेडी हो जाती है। और दूसरी तरफ डैन रीना से चैट कर रहा था। उसे रीना से प्यार हो
गया था और अब वो उससे मिलना चाहता था। मगर रीना हिबा जैसी ना समझ नहीं थी, वो डैन को साफ साफ मना कर देती है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती। उसकी बात सुनकर डैन बहुत कोशिश करता है कि वो रीना को मना सके, लेकिन रीना उसकी कोई भी कोशिश सफल नहीं होने देती। कुछ देर बाद हिबा बिग डैडी से मिलती है और उससे पैसे लेकर उसका भी पानी निकालती है। अगले दिन हिबा और रीना फिर से साथ साथ ऑनलाइन नजर आती है और एक दूसरे को प्रोफाइल वाले नाम से बुलाती है। दोनों जब भी साथ साथ नजर आती थी उन्हें बहुत सारे टोकन मिलते थे। ऑनलाइन होकर ये दोनों एक दूसरे के साथ लवलपाटा करने लगते हैं और डैन को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे रीना किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिस कारण वो गुस्से में आकर हिबा को गालियां देने लगता है। उसके गंदे मैसेज देखकर हिबा भी उसे गालियां देती है, फिर उसे 3 दिन के लिए बैन कर देती है। हिबा की यह हरकत डैन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उसे हिबा की प्रोफाइल का नाम पता था। इसके बाद वो उससे बदला लेने का फैसला करता है और रात को वो एक नई प्रोफाइल बनाकर हिबा से चैट करता है। वो उससे बहुत सारे टोकन भेजकर उसे मिलने को कहता है। टोकन देखकर हिबा की आंखों में फिर से चमक आ गई थी। वो उससे मिलने के लिए राजी हो जाती है। अगले ही दिन डैन उसी शहर की तरफ बढ़ रहा था जिस शहर में हिबा और रीना रहती थी, जहाँ अगर वो हिबा से मिलता है और उसे देखकर हिबा भी बहुत खुश होती है। डैन हिबा से बहुत प्यार से मिलता है, इस कारण हिबा उस पर यकीन कर लेती है और उसे अपने घर ले आती है। हिबा अपने घर में अकेली रहती थी। यहाँ अगर डैन उससे कहता है मैं यहाँ अपना पानी निकालने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें यहाँ मुझे बैन करने की सजा देने आया हूँ, इतना कहकर वो उसे जान से मार देता है और फिर उसकी लाश को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद डैन एक कैफे में बैठे न्यूज देख रहा था। न्यूज वाले हिबा के घर के बाहर खड़े थे और तभी वहाँ से रीना गुजरती है। वो रीना को रोककर पूछते हैं कि पड़ोस वाली लड़की का कत्ल हो चुका है, क्या आपको किसी पर शक है जो उसके घर आता जाता हो। तो उसकी बात सुनकर रीना हैरान होती है, फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। न्यूज देखते देखते डैन समझ गया था कि हिबा के घर के पास ही रीना का घर है। हिबा की मौत की न्यूज सुनकर रीना बहुत दुखी थी, वो अपने घर आकर बहुत रोती है। कुछ देर बाद डैन रीना के घर में घुस आता है। वो घर आते ही सबसे पहले रीना की मॉम पर हमला करता है। उसके बाद वो जैसे ही रीना के सामने आता है वो उसे देखकर भागती है। एक अजनबी को अपने घर में देखकर वो बहुत डर चुकी थी। वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन डैन ने सभी रास्ते बंद कर दिए थे। इसके बाद वो भागते भागते अपनी जख्मी मॉम के पास पहुंच जाती है। उसकी मॉम उसे घर से भागने को कहती है, जिसके बाद रीना एक चाकू उठाकर फिर से भागती है। वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में आकर अपनी प्रोफाइल लॉग इन करती है और फिर अपने यूजर से कहती है मेरे घर में कोई अजनबी घुस गया है और उसने मेरी मॉम को जख्मी कर दिया है, उसने हमारे फोन भी छुपा दिए हैं ताकि हम पुलिस को फोन ना कर सके। इसके बाद वो सभी यूजर को अपना घर का पता बताकर उनसे मदद मांगती है। मगर इसी बीच डैन उसके कमरे में आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। रीना के पास चाकू था जिससे वो डैन की छाती पर बहुत सारे वार करती है। रीना के वारों से डैन मारा गया था और उसे बहुत सारे लोगों ने मरते देखा था। कहानी के आखिर में रीना की मॉम तो बच जाती है, पर जब वो रीना से डैन के बारे में पूछती है तो रीना चुप कर जाती है। भला वो अपनी मॉम को कैसे बताए कि वो एक वेब मॉडल है और ये उसी का नतीजा है। ऐसे ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारी पेज को लाइक करें। धन्यवाद।